पब्लिक टीवी आपकी आवाज। उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन की ओर से हिंदी पत्रकारिता दिवस पर वरिष्ठ सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजन में कार्यक्रम में मुख्य अतिथि MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त रहे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता विशाल शुक्ला रहे, तो वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता संतोष गुप्ता के द्वारा की गई। कार्यक्रम का संचालन KK गुप्ता ने किया, तो वहीं कार्यक्रम में आभार अभिव्यक्ति यूनियन के महासचिव अंकित चौहान के द्वारा की गई। आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मंच पर उपस्थित अतिथियों का फूलमाला पहनाकर स्वागत करके किया गया। कार्यक्रम में आए सभी अतिथियों ने मंच पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त MLC ने बोलते हुए कहा कि भारत को आजादी दिलाने में पत्रकारिता की अहम भूमिका रही है। वहीं मुरादाबाद में वरिष्ठ पत्रकारों ने भी अपना वो समय देखा है जब कम संसाधनों में पत्रकारिता करनी पड़ती थी। MLC डॉक्टर जयपाल सिंह व्यस्त ने कहा कि अब समय परिवर्तित हो चुका है और वर्तमान में पत्रकारिता का स्वरूप भी बदलता नजर आ रहा है। तो वहीं मुख्य वक्ता विशाल शुक्ला ने पत्रकारों को संगठित होने का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि अब पत्रकारों को संगठित होने की आवश्यकता है, तभी हम सभी अपनी आवाज और अपने हक की बात खुले मन से कह सकेंगे। कार्यक्रम में विशाल शुक्ला, अतुल सिन्हा, राजेश भाटिया, राजीव शर्मा, राजीव हरी, HP शर्मा, OP अरोरा के साथ अन्य वरिष्ठ पत्रकारों को सम्मानित किया गया। हमारे बीच में संदीप भाई भी उपस्थित है, आइए उन भी डॉक्टर साहब का स्वागत है। जीतू भाई आप भी तो ये आप अरे आप अच्छा ओके अच्छा चलिए बहुत अच्छी है। धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा आगे में डॉक्टर संतोष गुप्ता जी को। और उस समय के जो हमारे अध्यक्ष हुआ करते थे एक फुट और एक दीजिए के होठों की खामोशी भी सनद होती है, मेरी हर बात दलीलों से रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है, उनके शब्द ये इसका अर्थ अपने आप समझ में आ जाएगा। अब पत्रकारिता उसी के क्रम में जोड़ती हुई जिनके लिए है, मेरी हर बात दलीलों से रद्द होती है, उनके होठों की खामोशी भी सनद होती है। पत्रकारिता किसके लिए है? कुछ न छिन कहने से भी छिन जाता है, कुछ न कहने से भी छिन जाता है एजादे सुकून, और जुल्म सहने से भी जालिम की मदद होती है। पत्रकारिता उनके लिए है। मुखापेक्षी बन जाते हैं सरकार के, मुखापेक्षी और प्रवक्ता बन जाते हैं हम दलों के, मुखापेक्षी और प्रवक्ता बन जाते हैं हम जिनके समाचार पत्र हैं उद्योगपति उनके, उनके लिए नहीं पत्रकार। हम सरकार के प्रवक्ता नहीं हैं, हम सरकार के मुखापेक्षी नहीं हैं, उसके समर्थक नहीं हैं। हम जिनके लिए पत्रकारिता के धर्म का पालन कर रहे हैं, मूल बात यही है। पत्रकारिता के विषय में बताऊंगा, लेकिन जो मूल बात है पत्रकारिता जिनके लिए कर रहे हैं, पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े, पेशानी हयात पे कुछ ऐसे बल पड़े
हंसने को दिल ने चाहा तो आंसू निकल पड़े। हंस हंस के पी रहा था मैं इस तरह से अर्श के गम, यूं दूसरा पिए तो कलेजा निकल पड़े। रहने दो मत बुझाओ मेरे आंसुओं की आ, कंट्रास्ट है। रहने दो मत बुझाओ मेरे आंसुओं की आ, इस कश्मकश में आपका दामन न चल पड़े। उनके लिए ये पत्रकार निचले स्तर पर अगर आए, छोटे शहरों में तमाम चीजें हैं, समस्याएं जैसी, उन समस्याओं हमारा सिर्फ एक काम ही नहीं कि हम पत्रकारिता में खबर छाप दी, हमारा काम खत्म हो गया। हम जन समस्याओं को, लोगों की पीड़ा को उन तक पहुंचाएं, ये भी हमारा एक धर्म है, पत्रकारिता का भी एक धर्म है कि हम उन समस्याओं को संबंधित व्यक्ति तक पहुंचाएं। वो कैसे पहुंचाना है वो आपकी कला है, कि किस तरह से लोगों तक, अधिकारियों तक आप लोगों की बात पहुंचाते हैं। उस समस्या का अगर समाधान होता है तो आप सोचिए आप बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। इसके अलावा जो चीज़ें लोगों ने कही हैं वो बार बार रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। मैं यही बस कहना चाहता हूँ कि फेसबुक, व्हाट्सअप, यूट्यूब, तमाम तरीके के चैनलों से जो भी सूचनाएँ हमें मिलती हैं, सूचना के तौर पर हम उसको इकट्ठा कर सकते हैं, लेकिन हम उसको प्रस्तुत अगर करेंगे तो हम बिल्कुल सही अगर करेंगे तो हमारे लिए सबसे अच्छा होगा और समाज के लिए बहुत अच्छा होगा। तो ये पत्रकार बहुत बड़ा क्षेत्र समेटे हुए है, उसके आकार को छोटा मत करिए, और ये पत्रकार का आकार निरंतर बड़ा रहे इसके लिए आप अपनी सोच को बड़ा रखिए। जो सीनियर लोग हैं उनसे बहस और कुतर्क मत करिए। जो सीनियर लोग हैं उन्होंने कोई दिशा निर्देश या आपके अंधेरे में टॉर्च जलाने की कोशिश की है तो उस अंधेरे की रोशनी में कुछ ढूंढने का प्रयास करिए। उम्मीद करता हूं कि ये आत्मविश्वास आपकी बुलंदियों तक ले जाएगा। और कशिश वारसी जी ने आज मेरे सम्मान में जो शब्द कहे, निसंदेह मैं सभी लोगों का बहुत आभारी हूं, और आज मैं इस बात के लिए बहुत गर्व भी करता हूं कि 30 साल 35 साल पहले भी पत्रकारिता जगत के जो लोग हैं उनको मैं आज भी वो ही सम्मान देता हूं, और उनसे भी मुझे वो सम्मान मिलता है जिसका मैं अधिकारी रही हूँ। तो मैं एक बार फिर मुरादाबाद की तरफ से, पत्रकार बंधुओं की तरफ से सम्मानित जयपाल सिंह व्यस्त जी के सम्मान में मैं कहता हूँ, मेरी शब्द कोश में कोई शब्द नहीं है, और आज जो कुछ भी मैं अपने शब्द या अपने उद्गार या अपने विचार या अपनी शैली या अपने अंदाज से आप तक अपनी बात को पहुँचा रहा हूँ उसमें निसंदेह इस व्यक्तित्व का बहुत मेरे ऊपर रंग है। आने का चलता रहा सिलसिला, कुछ खोने का कुछ पाने का चलता रहा, आँख में एक आस का सपना भी पलता रहा। सिलसिला कुछ खोने का कुछ पाने का चलता रहा, आँख में एक आस का सपना भी पलता रहा। आंधियाँ भी कर रही थी न जाने कितने सितम, आंधियाँ भी कर रही थी न जाने कितने सितम, हौसलों का दीप फिर भी शान से जलता रहा। फोटोग्राफर की अहम भूमिका होती, उसके बाद पत्रकारिता का काम अधूरा रह जाता है, इसलिए हमारे फोटोग्राफर भाई अपने आप को कमज़ोर न समझे और मनोबल बढ़ाए रखें, और जो भी कार्य अनुशासित होकर दिल से करेंगे तो आपको हर जगह आपको सम्मान मिलेगा और अहम मिटा दीजिए। जब आपके अंदर अहम आ जाएगा तो आपकी कला अधूरी हो जाएगी। आपको हमें दोहराना है, परेशानी आती है मौजूदा वक्त में भी, लेकिन ये है कि बात करें मुरादाबाद की, मौजूदा वक्त की, तो इसमें क्या है कि जो हमारे बीच के लोग हैं, मैं समझता हूँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होने चाहिए। हमारी जो निकल आ रही है कि इत्तफाक, अगर एकता हम लोग बना के रखें, एक वकील होते हैं बता रहे हैं, जब कोर्ट में बहस करते हैं तो आप देख सकते हैं कि उनके अंदर कैसे भाव होते हैं उनके, लेकिन जब कोई मामला, कोई घटना, कोई ऐसी चीज़ होती है तो वो एक प्लेटफॉर्म पकड़ होते हैं। हमारी क्या है कि हमें जो है एकता इत्तफाक रखना चाहिए। भाई परेशानियाँ आती हैं, अपने साथियों को आती हैं, उसमें एक साथ खड़े होना चाहिए। मंच मेरे गुरुजी आदरणीय जयपाल सिंह व्यास जी, मेरे पारिवारिक रिश्ते, मेरे बड़े टीटू चड्डा जी, आप लोग सब लोग उपस्थित यहाँ पर, बहुत बढ़िया प्रोग्राम ये आज आप लोगों ने अरेंज कराया। मेरे पास जब अनुज जी ने दो दिन पहले मुझे बताया कि सर ऐसे ऐसे प्रोग्राम है, तो मैंने सर जैसे आपको सही लगे वैसे कर लीजिए, आगे के लिए भी कभी भी आपको हमारी ज़रूरत हो हम हर वक्त हर दिन हर सब आपके लिए तैयार हैं।
जैसे आप कहेंगे वैसे होता रहेगा। सारे हॉल में आए हुए सारे सभी को मित्रों से बहुत बहुत नमस्कार, और आज पत्रकार दिवस है, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। और पत्रकारों के बिना हम एक कदम भी नहीं चल सकते, क्योंकि सारी सच्चाई आप ही लोग सामने दिखाते हैं। और मैं दोबारा बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, थैंक यू फॉर आपने मेरे को यहाँ बुलाया है, थैंक यू जी। आपने मेरे इस कार्यक्रम के में जो चार चांद लगाए हैं और मेरी जो हौसला अफजाई की है, मैं उसके लिए आपका तहे दिल से आभारी रहूँगा और हमेशा आपका कृतज्ञता से निर्वहन करता रहूँगा। बस उम्मीद यही रहेगी कि जो प्यार और जो आशीर्वाद आप सभी का मुझे इसी तरीके से मिलता रहे, और आगे भी लगातार मैं आपके आशीर्वाद के सहारे से ही आगे चलता रहूँगा। और मुझसे अगर कहीं पर भी कोई कमी या कहीं कोई गलती अगर आपको नज़र आती है, तो मुझे आप बड़े भी हैं और मेरे छोटे भी हैं जो भी मेरे साथ हैं, वो मुझे एक बार ज़रूर बताएं, और मैं कहूँगा कि मुझे अगर सुधारने का मौका मिलता है तो मैं उसमें सुधार करने की पूरी तरीके से कोशिश करूँगा। क्योंकि पत्रकारिता दिवस पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और हालांकि कल कार्यक्रम होना था, लेकिन क्योंकि बहुत सारे संगठन हमारे साथी हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पर कार्यक्रम किए हैं, उसमें भी उपस्थित सभी को रहना था। एक विचार ये रहा है कि सभी एक साथ एक मंच पर यहाँ मौजूद हों, और हमारे आदरणीय गुरुजी हमारे साथ में मौजूद हैं। हालांकि मैं गुरुजी का इसलिए भी शुक्रगुजार हूँ कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे मैंने उन्हें आमंत्रित किया है, और गुरुजी ने मेरी उस बात को रखा और तुरंत गुरुजी ने मुझे समय दिया, मैं उसके लिए आपका आभारी रहूँगा गुरुजी। और मेरी तरफ से कोशिश ये रहेगी, क्योंकि हम युवा हैं और जो युवा मेरे साथी हैं उनको अभी बहुत लंबी रेस में आगे बढ़ना है। मेरा प्रयास ये रहा है कि जो जिन्होंने हमें अभी तक इस पत्रकारिता को जिंदा रखा है, और जो पत्रकार पेशे में यहाँ पर रहकर उन्होंने आगे बढ़ाया है इस पेशे को, मेरा प्रयास ये रहा कि उनको साथ लाया जाए और उनका एक छोटा सा सम्मान, हालांकि जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना, जो मेरी टीम ने हमारी टीम ने सहयोग किया, उस टीम के सहारे से उन पत्रकारों का सम्मान करने का प्रयास किया है। तो मैं गुप्ता जी से कहूँगा कि सबसे पहले तो वो उनके सभी के लिए सम्मान कराने का काम करें, और दूसरी चीज जो ये है कि इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में मेरी पूरी टीम उत्तर प्रदेश वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन, और इसके साथ ही जो मेरे सभी साथी हैं जो वरिष्ठ हैं, और भी जो संगठन हैं, राजीव भाई साहब हैं, कशि कार्तिक जी हैं, वरुण रसोगी जी हैं, और संदीप भाई साहब हैं, हमारे फहीम भाई साहब थे, सभी मतलब जो भी मेरे, मैं सबके नाम लूँगा तो बहुत समय लग जाएगा। और बस चार लाइनें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि हालांकि मैं ना तो एक अच्छा वक्ता हूँ, कोशिश कर रहा हूँ कि अच्छा वक्ता बन सकूँ, चार लाइनें बोलने का प्रयास करता हूँ। हाँ मैं एक पत्रकार हूँ, मैं एक चलता फिरता समाचार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। कलम ही हमारी ताकत है, जान पर अनेक आफत है, फिर भी मैं कभी नहीं डरता, सर्वदा सच्चाई ही लिखता हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। आवाजहीन की आवाज़ हूँ, लोकतंत्र का मेहसाज हूँ, जनता की आलोचनाओं का हर बार बनता मैं शिकार हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। कलम के बूते मैं लिखता हूँ, कलम के चलते ही मैं जीता हूँ, धमकियों को रख कर किनारे बेबाक पत्रकारिता मैं करता हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। रोज नए खबर के लिए मैं कड़ी मेहनत करता हूँ, कई बार गिरता कई बार संभलता हूँ, कई बार तो मैं भीड़ के गुस्से का शिकार भी बनता हूँ, हाँ मैं एक पत्रकार हूँ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।